अस्सलामुअलैकुम जी। तो करंट होता है चार्जेस के बहाव की वजह से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सवाल ये पैदा होता है कि चार्जेस को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो दौड़ते रहे, चार्जेस को क्यों इतनी मुसीबत में डालें हम कि वो मूव करते रहे, उनका फ्लो कैसे होगा, किस वजह से होगा। तो जनाब आज हम यही डिस्कस करेंगे कि चार्जेस का फ्लो किस वजह से होगा। तो जनाब चार्जर मूव करेंगे, देखिए जी अब हमने ये बात तय कर ली कि जब भी डिस्कशन की जाएगी तो वो कन्वेंशनल करंट की हेडिंग में की जाएगी, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और ये आमतौर पे रियल करंट नहीं होता है, बल्कि इट इज ओनली कंसिडर्ड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर आवर कन्वीनियंस। ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए होता है। एक्चुअली करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है। और बेटा जी ये भी याद रखें कि जैसे हर आदमी इंसान नहीं होता, हर बंदा बंदे का पुत्र नहीं होता, ऐसे ही हर चार्ज चार्ज कैरियर भी नहीं होता। चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होगा, और चार्ज कैरियर्स कई तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो बहरहाल नॉर्मल डिस्कशन में हम कन्वेंशनल करंट की ही बात किया करेंगे, लेकिन आज भी हम रियल करंट की बात करने लगे हैं, जो कि है करंट थ्रू द मेटल, करंट थ्रू द कंडक्टर, या करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर जी। तो जनाबे अली अर्ज ये है कि ये है आपके पास कोई कंडक्टर, ये कोई वायर है जनाब, या पीस ऑफ मेटल है। इसमें फिलहाल चार्ज कैरियर कौन से हैं जनाबे आली? इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें चार्ज कैरियर का रोल प्ले करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल वेले फिर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये जनाब जो मैं बना रहा हूँ गोल गोल से तकरीबन है, ये हैं जनाबे आली एटम्स। लैटिस में यानी स्पेसिमन में सैंपल के अंदर मौजूद एटम्स हैं जनाब ये। इन एटम्स के अंदर जनाब मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर को। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज एकेडमियां बंद हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ पढ़ा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग बिल्कुल वेले फिर रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो इसलिए छुट्टियां दी हुई हैं कि ना आप घर बैठे और ये वायरस से बचे जरा, लेकिन हमारी कौम अल्लाह माफ करे तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी इधर को, कभी इधर को। ये इधर को जा रहा था, जाते थे रास्ते में ये इसका यार वेली मिल गया, इनके इधर नु छाड़ इधर नु चलते हैं, तो ये मिल के इधर को आ गए। तो ये अब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, और इनकी वेलोसिटी जो है यानी कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की यानी स्पीड सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकेंड हो सकती है इन इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम वेलोसिटी है। अब ये जो रैंडमली मूव करना है ये करंट नहीं है, हालांकि फ्लो तो है, लेकिन ये रैंडम फ्लो करंट नहीं बनेगा। हमने क्या किया जनाब, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक अदद बैटरी के साथ। ना बयाली ये बैटरी का हायर पोटेंशियल टर्मिनल है, और ये बैटरी का है जी लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। चलिए ऐसे करके कर लेते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन एक्सेस हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हायर पोटेंशियल, और इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है, ये हायर पोटेंशियल वाला सिरा बन गया और ये वाला लोअर पोटेंशियल वाला सिरा बन गया है। पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जनाबे आली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब जनाब क्या हुआ, इसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा जनाब, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनको एक तरफ से रिपल्शन मिलना शुरू हो गई और दूसरी तरफ से अट्रैक्शन मिलना शुरू हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की सीमत में,
ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और बेटा जी जो कन्वेंशनल करंट होता है वो चूंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ से होता है, इसलिए कन्वेंशनल करंट हमेशा लिया जाता है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट लिया जाता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात याद रखिएगा। अच्छा तो जनाब बहरहाल अब ये जो इलेक्ट्रॉन सारे मूव करने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि बन गया है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब मूव करेंगे कितनी स्पीड से मूव करेंगे जनाब, कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे जनाब यानी अब इनकी वेलोसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। वजह क्या है कि पहले सारे शहर में हजारों लाखों लोग वेले फिर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं, या शॉपिंग वगैरह करते फिर रहे हैं, तो जनाब इधर उधर को कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अब अचानक खबर मिली इन सारे वेले लोगों को कि जनाब से लीलावाड़ी में लक्की रानी सर्कस आ गई और उसका आज शाम को 4 बजे फ्री शो दिखाया जा रहा है। अब जितने वेले लोग हैं इलाके के, जो भी लोग जो नहीं भी वेले मुफ्त शो का सुन के, वो भी सारे बाजमात मूव करना शुरू हो जाएंगे इस्लामी जमहूरियत से नीलावाली की तरफ। तो वो सारे लोग जब ऐसे मूव करना शुरू होंगे तो जनाबे आली सूरत हाल क्या बन जाएगी, ट्रैफिक का सारी का फ्लो इधर को हो जाएगा। अब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, पहले चांस कम थे टकराने के, क्योंकि पहले देखकर बंदा दूसरे को इधर उधर को रास्ता बदल लेता था, अब ऐसा नहीं, अब जाना सबने एक ही सिमत में है, और एक ही सिमत में जाते हुए अब भीड़ भी ज्यादा हो जाएगी, और अगर एक दूसरे के साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं अगर रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से पीछे को आने का चांस नहीं है, क्योंकि पीछे से धक्का पड़ रहा है, मोटिवेशन मिल रही है उनको मूव करने के लिए, इसलिए पीछे को नहीं कोई आएगा। कोई सज्जे खब्बे अगर धक्का मिलता है इधर को तो वो भी पीछे को नहीं जाएगा, थोड़ा सा इधर को होगी अपना सफर आगे को जारी रखेगा। अब सारे उधर को मूव करेंगे तो लैटिस में मौजूद यानी सैंपल में मौजूद मेटल में मौजूद दूसरे एटम्स के साथ भी कोलिजन करेंगे, आपस में भी करेंगे, और इस सब की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी, और अब ये स्पीड आ जाएगी तकरीबन तकरीबन 0.something मिलीमीटर पर सेकंड, नियरली इक्वल टू 0.1 0.2 मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज में। आप देखें हजारों सैकड़ों किलोमीटर पर सेकंड से कम होके ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड की रेंज में उनकी वेलोसिटी आ जाएगी, और ये वेलोसिटी कहलाती है जनाब आली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसक जाना, ये खिसक जा रहे हैं हौली हौली। अब ये वेलोसिटी चूंकि हौली हौली वाली वेलोसिटी है, इसलिए इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जनाब जो भी आवे है तेरे पहलू में बैठे हैं, हम कब तलक तेरे पहलू से खिसकते जावे। शायर कहता है जनाब कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, जो भी आता है वो यहाँ आपके साथ बैठ जाता हूँ और मेरी जगह जरा दूर हो जाती है, तो मैं आखिर कब तक ड्रिफ्ट करता जाऊँ आपके पास से दूर की तरफ को। तो जनाब ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है जनाब, ये ऑर्डर्ड वेलोसिटी है, इट इज एन ऑर्डर्ड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन केस ऑफ मेटल, इट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज एन ऑर्डर्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड, ऑर्डर्ड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ओवरऑल है जो इस रेंज में है, किसी की थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे, इतनी वेलोसिटी से नहीं मूव करेंगे जितनी वेलोसिटी से पहले वो रैंडमली मूव कर रहे थे। तो जनाब अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे जनाब, मसलन किन किन पे, इनको ऑनवर्ड भी हमने डिस्कस करना है जनाब। अगर तो कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी तब भी आपस में कुलियन के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसके नतीजे में जितनी कुलियन ज्यादा होगी रिकावट ज्यादा होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही कम होने के चांसेस हैं। अगर कंडक्टर का एरिया अगर आप ज्यादा कर दें, इसी कंडक्टर को आप ये देखें तो इतना चौड़ा कर दे, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दे, तो क्या होगा जनाब,
तब रुकावट कम हो जाएगी, कोलिजन के चांस कम हो जाएंगे, रास्ता खुला हो गया है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर यही कंडक्टर, इसी कंडक्टर में चार्ज कैरियर ऐसे मूव करें, ये एक पोटेंशियल है, ये दूसरा पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल, एक हायर पोटेंशियल, तब ये लेंथ बनेगी और ये बनेगा एरिया। तो चार्ज कैरियर जैसे ये मूव कर रहे हैं, ये है जनाब ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया और ये है इसकी लेंथ। इसकी बजाय अगर आप ऐसे करें कि इसको कर दें लोअर पोटेंशियल और इसको कर दें हायर पोटेंशियल, तो अब लेंथ क्या होगी? ये लेंथ है और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिधर को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर है उसके परपेंडिकुलर है एरिया और उसकी डायरेक्शन में है लेंथ ली जाएगी। तो जनाब ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। अब देखें जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा, मतलब करंट कम सॉरी सॉरी जी, तो मतलब करंट कम होता जाएगा। तो वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम मामलात जिनकी वजह से करंट कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और जिनकी वजह से करंट ज्यादा होगा उनकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो जनाब ये कंबाइंड इफेक्ट है या नेट इफेक्ट है ओवरऑल चार्ज कैरियर्स का, जो देखा जाएगा, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा। और ये तब होगी जब आप, ये मामला तब होगा जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि जनाब करंट है या करंट होगा या करंट हो सकता है, तो करंट किसकी वजह से होगा? करंट बेटा जी होगा हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी है जिसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये हुआ कि चार्ज कैरियर्स को एक तरफ से अट्रैक्शन मिलना शुरू हो गई और दूसरी तरफ से रिपल्शन मिलना शुरू हो गई, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से चार्ज कैरियर एक तरफ को मूव करना शुरू हो गए, मतलब तब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब है करंट ज्यादा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि करंट कम है। इसका मतलब है कि वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से करंट ज्यादा हो जाएगा या हो सकता है, उनकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से करंट कम हो सकता है उनकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो करंट के कम या ज्यादा होने का मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है। और ये काम किस वजह से होगा? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा कर देंगे, मतलब यहाँ लोअर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो चार्ज कैरियर को मिलने वाली अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से करंट भी कम या ज्यादा होता चला जाएगा। तो जनाब नतीजा क्या निकला कि चार्जेस की मोशन में रुकावट कम कर दे तो करंट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और रुकावट ज्यादा कर दे तो करंट यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जनाब ये मामला, ये बात हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अगर हमने एक कंडक्टर के सिरों के दरमियान टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें तो करंट बन सकता है, तब करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है जनाबे आली? सोर्स ऑफ करंट क्या है? सोर्स ऑफ करंट कोई ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसी शय जो के एक कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, वो कहलाता है सोर्स ऑफ करंट। यानी वो हालात पैदा कर दे जिसकी वजह से चार्ज कैरियर मूव करने लग जाए, वो हालात पैदा कर दे जिसकी वजह से चार्ज कैरियर मूव करने लग जाए। और वो हालात कौन से हो सकते हैं? वो वाहद सूरत हाल यही है कि हालात पैदा हो जाए ऐसे कि एक तरफ हायर पोटेंशियल हो जाए, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल हो जाए। अगर आप चाहते हैं जनाब कि पानी का बहाव शुरू हो जाए किसी पाइप में से, तो पाइप का एक सिरा ऊपर कर दें, एक सिरा नीचे कर दें, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फर्क आ गया। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दें,
एक को हायर पोटेंशियल पे ले जाए, एक को लोअर पोटेंशियल पे ले जाए, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस का फ्लो होगा कन्वेंशनली, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। एक्चुअली नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होगा लोअर से हायर की तरफ, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जनाब सोर्स ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या होगी कि ये वो डिवाइस है जो के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे किसी भी वजह से, किसी भी तरह से। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना ही ज्यादा पैदा हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी कम होता जाएगा, चार्ज का फ्लो भी कम होता जाएगा। देखिए हमारे पास दो बाल्टियां हैं, हमने क्या किया जी, इनके सर पाइप लगाया हुआ है ऐसे करके। तो जनाब ये बल्कि इस तरह की बजाय मुझे ऐसे बनाने दीजिए कि ये देखिए जनाब यहाँ पे, अब जनाब ये यहाँ पे ये देखें, ये बाल्टी खाली है, ये बाल्टी भरी हुई है यहाँ तक है जनाब, और ये यहाँ तक है अभी। तो ये हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है, ये लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर चार्जेस होंगे तो ये बाल्टी जरा ऊपर है, ये नीवी है, यहाँ से पानी जनाब आली इधर को आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे इधर पानी कम होता जाएगा इधर ज्यादा होता जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता जाएगा। नतीजा क्या होगा, होते होते जब दोनों में लेवल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, तब करंट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस को मिलने वाली अट्रैक्शन या रिपल्शन भी खत्म हो जाएगी। तो करंट के लिए जरूरी क्या है कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो, और वो ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने वाला आला क्या कहलाएगा जनाब, डिवाइस क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ करंट कहलाएगा। तो जनाब अब वो जो सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी सोर्स ऑफ करंट है वो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे पैदा कर देगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट करेगा, क्योंकि करंट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और यही है जिसका आजकल रोड़ा पड़ा रहता है जनाब, कि बिजली आ गई, बिजली चली गई, बिजली कट गई, बिजली बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो जनाब ये एनर्जी पैदा होगी एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। तो कोई भी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वो जाहिर बात है कि खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं करेगा, एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी करेगा, मतलब कि वो किसी और किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सोर्स ऑफ करंट क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, पहले भी आप कर सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, या वो किसी भी किस्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे जो डिवाइस, वो कहलाता है सोर्स ऑफ करंट। तो जनाब कई तरह के सोर्स ऑफ करंट हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल सिंपल सी बात होगी। पहले नंबर पे है जनाब यानी सेल। जनाब सेल क्या है, ये दो तरह के होते हैं जनाब, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। इनमें जनाब प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो के नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जैसे आपके क्लॉक का सेल है, और सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं, जैसे कि लैपटॉप की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, ये वाले। एक बैटरी जो है ना, बैटरी सेल क्या है, एक सेल में, जैसे आपने अगर यूपीएस वाली बैटरी देखी, नहीं देखी तो आप देखिएगा जाके लेक्चर खत्म करके, उसमें 6 ढक्कन होते हैं, उसमें 6 सेल हैं, हर एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है 2 वोल्ट का, यूपीएस वाली बैटरी में 6 सेल्स को जोड़ के 12 वोल्ट बनाए जाते हैं। तो बैटरी कई सारे सेल्स का मजमुआ हो सकती है, वो बैटरी एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकती है, एक से ज्यादा पर भी मुश्तमिल हो सकती है, सेल एक छोटा पार्ट है। तो अगर हम प्रैक्टिकली लफ्ज बैटरी इस्तेमाल करते हैं, क्यों, बैटरी वो है जो हमें इस्तेमाल में आ रही है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है, उसमें एक या एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑफ इट्स एबिलिटी टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जनाब ये प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है। सेल क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जनाब आली जनरेटर आ गया,
आज का लोड शेडिंग जरा कम है, तो मैंने तो जनरेटर अपना बेच दिया है, बैंकों के सामने रखे हुए हैं। ये घूमने पे इंजन होता है घुमाने के लिए, हम डिस्कस करेंगे 15 चैप्टर में इसे इंशाल्लाह। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जनरेटर जनरेट करने वाला। उसके बाद जनाब अली थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल, थर्म मतलब हीट के लिए, ये क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जनाब आजकल काफी मशहूर है सोलर सेल्स, ये क्या करेंगे, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा जी ये कुछ सोर्सेस हैं करंट के लिए। अब ये इनकी मदद से जब करंट पैदा हो जाएगा, तो हमने ये कहा था कि करंट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से है, बस करंट तो करंट है जी। तो अब जब चार्जेस के टाइप से फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो करंट को बेटा जी मैयर कैसे किया जाएगा, करंट की मेजरमेंट कैसे की जाएगी, वो करंट के इफेक्ट से की जाएगी। तो वो इफेक्ट क्या है, कैसे होते हैं, और इनकी मदद से करंट कैसे मेजर किया जाएगा, इसके लिए देखते रहिए जनाब, स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, महफूज रहिए, पढ़ते रहिए, टेस्ट बाकायदगी से सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में।